ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों लावा अग्नि 2 और साथ में वीवो V27 के बारे में बात करने वाले हैं। और इन दोनों फोन में से देखेंगे कि हमें इन दोनों फोन में से किस फोन की जानब चले जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आप एक अच्छा फोन सेलेक्ट कर पाएंगे और एक अच्छे फोन की जानब जा सकते हैं और जो वैल्यू फॉर मनी हो। लेकिन अगर आप इन दोनों फोन में से एक फोन लेना चाह रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप लास्ट के अंदर ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इन दोनों फोन में से किस फोन की जानब चला चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी कि मैं आप खुद भी आपको कहूंगा कि आप भाई इस फोन की जानब जा सकते हैं, लेकिन आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन फोन में से आप ये फोन लेना चाहते हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट और कंपैरिजन के अंदर आपको मजा काफी आने वाला है। तो इस वीडियो को कंपैरिजन को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इन दोनों फोन में से कोई भी डिसाइड करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। खैर, अब बात करते हैं भाई यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर हमें जो लावा अग्नि 2 देखने को मिलता है इसके अंदर 6.78 इंच का स्क्रीन का साइज है और यहां पर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी अनबॉक्सिंग आ चुकी हो जिसकी काफी हद तक बॉक्स की जो डिजाइन है वो काफी किलर देखने को मिलता है। तो इस तरह से फोन्स का भी डिजाइन काफी अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर भाई लावा अग्नि 2 के अंदर जो फुल एचडी के रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं, साथ में दोस्तों आपको यहां पर जो एमोलेड पैनल के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है जो काफी खास है। लेकिन अगर बात करें दूसरे फोन की जो कि हमारे पास Vivo V27 आ जाता है, इसके अंदर भाई स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम होगा जो कि 6.6 इंचेस का देखने को मिलता है और फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ आपको एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाता है। लेकिन वहां पर अगर रिफ्रेश रेट की बात करें वो भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि दोनों फोन्स के अंदर पैनल रिफ्रेश रेट सेम देखने को मिले हैं। लेकिन वहां पर स्क्रीन के साइज के अंदर कमी देखने को मिली है, वो भी देखने को मिली है यहां पर Vivo V27 के अंदर। लेकिन जो ज्यादा हाई का जो आपको जो देखने को मिला स्क्रीन का साइज वो लावा अग्नि 2 के अंदर देखने को मिला। अब मेन पॉइंट भाई देखेंगे कि हमें इन दोनों फोन्स के अंदर परफॉर्मेंस किसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है, चिपसेट किसके अंदर इंप्रूव देखना है, वो चीज हमें जरूर नोट कर लेनी है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो लावा अग्नि 2 के अंदर जो देखने को मिलता है वो एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर अगर जाया जाए भाई यहां पर Vivo V27 के अंदर, इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का देखने को मिलता है जो यहां पर इंप्रूव भाई देखने को मिलता है Vivo V27 के अंदर। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए कैमरास के वाले से, इससे पहले वेरिएंट को क्लियर किया जाए तो वो भाई आपको यहां पर लावा अग्नि 2 के अंदर जो है वो आपको 8GB के साथ 256GB देखने को मिलती है। और साथ में अगर Vivo V27 के अंदर देखें तो इसके अंदर भी आपको 8GB के साथ 256GB देखने को मिल जाती है, 12GB वाला वेरियंट भी देखने को मिलता है, वो शायद आपको इंडिया में ना देखने को मिले लेकिन 8GB वाला वेरियंट है। लेकिन अगर बात करें भाई इन दोनों फोन के कैमरे वाइज के वाले से, दोनों फोन के कैमरे जो है वो बहुत खास देखने को मिलते हैं, सीरियसली क्लियर देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर अगर देखा जाए कैमरास के हवाले से, लावा अग्नि 2 आपको बैक साइड पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सेटअप कैमरा प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, लास्ट आपको 2 मेगापिक्सल का सेल्फी आपको 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। लेकिन वहां पर अगर बात कर रहे दूसरे फोन की जो कि Vivo V27 है, इसके बैक साइड पर भी आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का ही है, सेकंड कैमरा लास्ट कैमरा 8-2 मेगापिक्सल का, और साथ में सेल्फी की बात करें वो आपको 13 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है जो कम देखने को मिली है। लेकिन अब यहां पर पॉइंट आ जाता है कि इनमें से कौन सा कैमरास के अंदर क्वालिटी अच्छी होगी, वो भाई होगी आपके यहां पर लावा अग्नि 2 के अंदर जो कि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, कैमरास भी आपको अच्छे और रिजल्ट क्वालिटी भी देगा। लेकिन 13 मेगापिक्सल के अंदर बस रिजल्ट अच्छा नहीं होगा क्योंकि 13 मेगापिक्सल तो बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं 16 मेगापिक्सल की तरफ जाने की कोशिश करूंगा और आप भी जाइएगा। अच्छा चलिए यार, अब मेन पॉइंट की बात करते हैं बैटरी की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लावा अग्नि 2 के अंदर आपको जो देखने मिलती है वो 47 mAh की बैटरी देखने मिलती है और 66W की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलती है। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए Vivo V27 के अंदर, इसके अंदर आपको 46 mAh की बैटरी के साथ आपको 66W की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलती है। अब यहां पर फास्ट चार्जिंग तो बिल्कुल दोनों फोन के अंदर सेम है, लेकिन बैटरी आपको यहां पर जो कम देखने को मिली Vivo V27 है, 100 mAh की बैटरी कम देखने को मिली, ज्यादा फर्क है भाई, थोड़ा सा होता तो हम कह लेते हैं कि यार कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन कहा जाए तो आपको इन दोनों फोन्स में से किस फोन की जानब जाना चाहिए, आपको इन दोनों फोन्स के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी, अगर आप चिपसेट अच्छा लेना चाह रहे हो तो आप जा सकते हैं भाई जान, लेकिन सेल्फी 13 मेगापिक्सल की और बैटरी भी आपको कम देखने को मिलेगी Vivo V27 के अंदर। लेकिन सेल्फी 16 मेगापिक्सल की हो, चिपसेट कम हो, स्क्रीन का साइज ज्यादा हो, बैटरी ज्यादा हो, तो आप जा सकते हैं भाई जान यहां पर लावा अग्नि 2 के अंदर। मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप लावा अग्नि 2 की जानब जा सकते
सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, कंपैरिजन अच्छा लगा, लाइक भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।